हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिश्रा एजुकेशन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ा। अब गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हाई वेलोसिटी, यानी कि अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए, तो वो एप्लीकेबल नहीं है, वो उसका रिजल्ट उसके साथ सही नहीं आता। तो इसको सही करने के लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्टेंस में आया। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा पहले स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिए गए जितने भी नियम रूल्स थे, उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई अट्रैक्टिव था तो वो स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी था। ये प्योरली, देखिए सर, प्योरली मैथमेटिकल है, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं अभी तक देखा गया है, ठीक है। तो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो पूरा प्योरली मैथमेटिक्स होगा। आज हम लोग स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बेसिस पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। तो स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या? तो यहाँ पे लिखा गया है, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के दो स्टेटमेंट्स हैं। दोनों स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। जो पहला है, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर इक्विवेलेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। यानी कि फिजिक्स में जितने भी लॉज हैं, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि फिजिक्स में जितने भी लॉज हैं वो हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्विवेलेंट होंगे, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। दूसरा जो है वो है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉस्टुलेट, स्पीड ऑफ लाइट इज कॉन्स्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट अगर हम लेंगे तो हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक लेंगे, जो कि हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, v इज इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही वेलोसिटी ऑफ लाइट हम हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेंगे, ठीक है। यही दो लॉज हैं तो आपके प्रिंसिपल स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के। इसी के बेसिस पे हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन चूंकि बहुत लेंदी है डेरिवेशन इसका, तो गाइस हम इस वीडियो में इसे नहीं शुरू कर रहे हैं, हम अगले वीडियो में इसको शुरू करेंगे। लेकिन इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का देखिए, इस वीडियो बहुत लगभग 20 मिनट के आसपास होने वाला है, तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं और आगे आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देने हैं तो उसमें भी ये बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से आता है, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही बता रहे हैं, आगे की वीडियो में हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और उसे प्लीज़ पूरा देखिएगा। गाइस, जो लोग एक्चुअल में नीड्स हैं, जिनको ज़रूरत है, जो घर पे रह के पढ़ना चाह रहे हैं, उनको आप ज़रूर बताइए कि ये इस चैनल के बारे में, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि एक ज़रूरतमंद को वीडियो पहुँचे। थैंक यू।